Yo, what's up, guys? It's me, Sajjad Ansari, back again with a new video. So, जैसे कि लास्ट ब्लॉग आपने देखा था वो नवाब सीख पराठा का था एंड उसके बाद से एक्चुअल जो हम हैं वो शिफ्ट हो गए हम अपने एक्चुअल जगह से अंधेरी से और अब हम आए हैं यहाँ पर. सो ये हमारा यहाँ का लोकेशन आप देख सकते हैं, कितना तगड़ा बेस्ट है. यहाँ से एक लोकेशन यहाँ पर काफ़ी सारे लोकेशन से मैं आपको सारे लोकेशन दिखा था. ये तो नॉर्मल लोकेशन है, यहाँ की बैक साइड में जो लोकेशन है वो एक्चुअल व्यू है. आप देख सकते हो भाई काफ़ी तगड़ा व्यू है. सभी चलते हैं रूम में, एंट्री करते हैं. एक्चुअली ये जो था व्यू ये हमारे बालकनी का है. एक्चुअली हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शिफ्ट होकर, हमें एक्चुअली 2 से 3 दिन हो रहा शिफ्ट होकर, अभी काफ़ी ज़्यादा शिफ्टिंग करना बचा हुआ है. आप इस वीडियो में देख सकते हो सारे सामान जो बिखरे हुए हैं और कोई भी अरेंज नहीं है. सो अभी हमें इसे अरेंज करना है. सो अभी जो आपने वीडियो देखा, आपने देखा उसमें कैसे सामान जो थे बिखरे हुए थे. तो अभी हमने थोड़े बहुत अरेंजमेंट कर दिए हैं. ये हमने बेड लगा दिया है ये यहाँ पर, और ये बेडरूम, और ये हमारा बेडरूम छोटा सा जिसमें एक्चुअली मैं रहने वाला और मेरे बड़े भाई रहने वाले हैं, यानी राइडर बॉय शहबाज, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो एक्चुअली इस रूम में हम रहने वाले हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर कवर्ड रख लिया है. इसमें हमारे सारे कैमरा सीसर्स हैं एंड जो भी रिक्वायरमेंट वाले चीज़ होते हैं वो. एक्चुअल तो अभी फ़िलहाल ये भी खाली है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बिकॉज अभी हमने शिफ्टिंग कुछ किया ही नहीं है. ऑलमोस्ट सारे चीज़ें भी उसी पड़े हुए हैं. मैं अभी आपको इस बालकनी से बाहर ले जाता हूँ. सो ये है यहाँ का व्यू, आप देख सकते हो कितना तगड़ा है. मीन्स सारे बालकनी से आपको व्यू काफ़ी अच्छे मिलने वाला है. ये जो सामने ब्रिज है ये मेट्रो ब्रिज है जो बन रहा है, और लोकेशन तो भाई काफ़ी अच्छा है. हाँ हाँ हाँ, ये लोकेशन है यहाँ का. ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से ट्रेन गुजरती रहती है. तो अभी चलते हैं हम अंदर, विंडो बंद कर देते हैं. और ये जो फ्लोर एक्चुअल हम हैं 16th फ्लोर. तो यहाँ पे तो भाई पपैन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज ऑलरेडी सारी चीज़ ऐसी ठंडी रहती है. सिर्फ रात में हम कभी कभार जो फैन ऑन करते हैं. एंड ये हमारा छोटा सा हॉल, आई मीन हॉल बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है बट फिर भी ठीक है हमारे लिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज़ का है, काफ़ी परफेक्ट है. सो इसमें हम ब्लॉग भी बना सकते हैं, आराम से सो भी सकते हैं एंड सारा चीज़ मतलब जो रिक्वायरमेंट हो इसमें पूरा हो जाएगा. और ये जो बालकनी है ये काफ़ी बड़ा है हमारा बालकनी, देख सकते हो. सो यहाँ का भी मैं व्यू दिखाता हूँ, यहाँ का व्यू कितना तगड़ा है. बिकॉज यहाँ पर जो ना आपको 2 साइड फेसिंग मिल जाता है, आई मीन 1, 2, 3 तीनों साइड हमें व्यू देखने मिल जाता है. सभी मैं दिखाता हूँ. ये बड़ी सी बालकनी और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा हॉल. अभी एक्चुअल हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अरेंज कर लें. सो अभी सोफ़ा लाना है, वो लगाना है मेरे पीछे यहाँ पर. आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे सोफ़ा आ जाएगा. ये जो बेड है ये शायद हमारे रूम में चला जाएगा या तो उसे बालकनी में रख देंगे, बिकॉज बालकनी जो है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बड़ी है, तो उसमें बेड आराम से आ जाएगा, कुछ इशू नहीं है. सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू, क्योंकि वो व्यू काफ़ी तगड़ा है. अरे भाई चाबी तो मैंने लेना ही भूल गया, सबसे पहला काम चाबी लो भाई. आजा अब चलते हैं.
होप यू एंजॉय दिस वीडियो। एक्चुअली छोटा सा वीडियो मैंने उसी बनाया था दिखाने के लिए, क्योंकि अभी और भी शिफ्टिंग करना है, हो सकेगा तो मैं इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन भी हम करेंगे मैं और मेरा भाई मिलके। और जो छोटा भाई अभी फिलहाल उसके लिए गए हैं स्कूल देखने, इसके लिए पूरा घर जो है हमारा खाली पड़ा हुआ है। सो कोई ना, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद से मैं अपना वीडियो एडिट करूँगा। मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हुए वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उसे मैंने एडिट करना है एंड उसके बाद उसे करूँगा अपलोड। फिलहाल वो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं बिकॉज आप उसे पहले देख सकते हो इस वीडियो से पहले, प्रीवियसली मैंने उस वीडियो को क्योंकि पब्लिक कर चुका ऑलरेडी, तो आप प्रीवियस वीडियोस जाकर देखिए। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट्स। बाय।